सागर जिले के रायपुरा से राजधानी तक को हिला देने वाले बुलडोजर मामले में प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। अतिक्रमण हटाने में जल्दबाजी करने वाले रेंजर लखन सिंह ठाकुर को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि कार्यवाही में आदेश का पालन किया गया, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को ध्यान नहीं रखा गया। टास्क फोर्स समिति में अतिक्रमण को रोकने के लिए खाली पड़े मकानों और निर्माणाधीन मकानों को तोड़ने का निर्णय हुआ था। रेंजर के द्वारा इसमें जल्दबाजी की गई, इसलिए निलंबित किया गया। वन विभाग के द्वारा इस गाँव में करीब एक दर्जन दलित परिवारों के कच्चे पक्के मकानों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ गया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के माध्यम से विरोध किया, जिसके बाद खलबली मच गई और फिर वह मौके पर भी पहुंचे थे, जहां अधिकारियों से चर्चा हुई। देखिए, ये अवैध जो निर्माण थे उनके खिलाफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। ये बात सही है कि कुछ रहवासी मकान थे और उनमें उनको तोड़ा गया, लेकिन प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटि नहीं है, ऐसा सभी लोग इस बात से सहमत हैं और मानते हैं। वन विभाग के द्वारा ये कार्रवाई चूँकि की गई है, वर्तमान में जो चीज़ें हैं वो जो शासन की जिम्मेदारी है वो सब हम लोगों ने बताया है कि जो लोग यदि जिनका घर टूट गया है और वो बेघर हो गए हैं तो उनको रुकने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जाएगी, उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जाएगी, और जो लोग पात्र थे जिनके पास आवास थे, चूँकि त्रुटि इसमें दूसरे स्तर पर भी समझ आ रही है कि वन भूमि में प्रधानमंत्री आवास के जियो टैगिंग नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि जियो टैगिंग किया गया तो उनके खिलाफ जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रेंजर जो थे उन्होंने प्रक्रिया का पालन तो किया, लेकिन एक मानवीय संवेदनाएं हैं उनका पालन उनके द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि जो बात टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में हुई थी वो ये हुई थी कि सिर्फ आगे का अतिक्रमण रोकने के लिए जो निर्माणाधीन मकान है वो और कुछ मकान ऐसे रिपोर्टेड थे जो कि खाली हैं जिनमें कोई नहीं रहता है, उन मकानों को पहले हटाया जाएगा और बाकी लोगों को विस्थापित किया जाएगा जब उनके लिए अन्यत्र व्यवस्था हो जाएगी। तो इस कारण से उन्होंने जल्दबाजी की, इस कारण से उनको निलंबित किया गया। सर, वो मौका नहीं दिया, पूरे सामान जो है परिवार का दब गया उनके पास, मैं उसके लिए कौन दोषी हो और क्या कार्रवाई बोल रहा हूँ कि ये लगभग एक वर्ष से ये प्रक्रिया चल रही है, लगातार नोटिस जा रहे हैं, लोगों को समझाइश दी जा रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और जैसा आपने बताया कि जो समय नहीं दिया गया उसके लिए रेंजर जिम्मेदार थे, चूंकि वही लीड कर रहे थे, पर रेंजर को निलंबित कर दिया गया। ठीक है।